राष्ट्रपति मुर्मू से मिले धामी, कहा नारी शक्ति के योगदान के बिना नए भारत का निर्माण असंभव। उत्तराखंड की 12 महिलाओं किशोरियों को तिलो रौतेली पुरस्कार, राज्यपाल ने सम्मान से नवाजा। टिहरी बांध की झील का जलस्तर बढ़ने से तटपर्वी गांव खतरे में। नौ अगस्त से शुरू होगी भारत जोड़ो तिरंगा पदयात्रा। नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भाजपा द्वारा हर घर तिरंगा कार्यक्रम किया जा रहा है। उधम सिंह नगर जनपद में भाजपा द्वारा 1,00,000 घरों में तिरंगा लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शामिल होंगे। तो वहीं आज जिला अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर कल प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उधम सिंह नगर के जसपुर में पहुंचेंगे, जहां वह 101 फीट के तिरंगे के साथ यात्रा करेंगे। का लक्ष्य है कि लगभग हम 1,00,000 घरों में कम से कम तिरंगा झंडा फहराएंगे। इसके अलावा बाइक रैली निकलेगी, तिरंगा यात्रा और प्रभात फेरी जो प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक हर मंडलों में है। और इसी कार्यक्रम के निमित्त हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी 9 अगस्त को यानी कल प्रातः 10:30 बजे वो जसपुर विधानसभा पहुँचेंगे। नर्सिंग स्टाफ के 2,621 पदों पर भर्ती की मांग को लेकर एलिंग वेलफेयर नर्सेज फाउंडेशन का धरना लगातार जारी है। बता दें कि 12 दिसंबर 2020 को सरकार ने नर्सिंग अधिकारी को 2,621 पदों पर भर्ती निकाली थी, लेकिन 2 साल बाद भी मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। इस मामले को शासन प्रशासन के सामने उठाया जा चुका है, जिस पर कोई कार्रवाई न होने के कारण कर्मचारियों को भूख हड़ताल करनी पड़ी। सोमवार को एसपी क्राइम जगदीश चंद्र ने रामनगर में चर्चित सुहेल हत्याकांड के फरार चल रहे 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें कोर्ट में पेश कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दूं कि 2 अगस्त की रात नंदा लाइन निवासी सुहेल सिद्दीकी चोरपान स्थित अपनी दुकान बंद कर बाइक से घर वापस जा रहा था। इसी बीच रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। वही पुलिस ने शव को 5 अगस्त को ही बरामद कर लिया था। साथ ही पुलिस ने अब हत्या में प्रयुक्त कार को भी बरामद कर लिया है। सुहेल हत्याकांड थाना रामनगर में आज 2 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिनके नाम योगेश बिष्ट उर्फ यूबी बिष्ट और दिनेश टमटा हैं। दिनेश टमटा इसमें पहले से ही वांछित चल रहे थे और अब जो घटनाक्रम इसमें पता चला है, इसमें 2 के बजाय 4 अभियुक्तों का शामिल होना पता चला, जिसमें 3 अभियुक्त अब गिरफ्तार हो चुके हैं। 1 अभियुक्त मन्नू नेपाली अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मोहर्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की है। मोहर्रम से एक दिन पहले ताजिया और अखाड़ों को लेकर लक्सर कोतवाली यशपाल सिंह बिष्ट ने मुस्लिम समुदाय लोगों और ताजिया कमेटी अखाड़ों के प्रमुख के साथ शांति समिति बैठक की। इस दौरान पुलिस ने सभी लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से ताजिया और अखाड़े खेलने की अपील की है। आपको बता दूं कि कोरोना काल के 2 साल बाद बिना पाबंदियों के इस बार मोहर्रम मनाया जाएगा। इस बीच क्षेत्र में जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कल मुहर्रम मनाया जाएगा, तो उसमें हमारा सुल्तानपुर अनारी और खड़ंजा बसेड़ी और बिहनपुर में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। तो मेरे हमारे द्वारा इन कार्यक्रमों करने वाले आयोजकों को बुलाया गया था और अन्य सम्मानित जनता के लोगों को बुलाया गया था, जिनसे अपेक्षा की गई थी कि मुहर्रम के जुलूस को और उनके अखाड़ों को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना, इस संबंध में हमारे द्वारा विचार विमर्श किया गया। आजादी महान पर्व को लेकर अधिकारियों ने पार्षदों संग बैठक कर आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर कार्यक्रम की रूपरेखा की। इस अवसर पर शहर के प्रमुख जगहों पर 6,000 छायादार वृक्ष रोपित किए। वहीं नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि शहर के सड़कों में हो रहे गड्ढों को भी पाटा जाएगा, साथ ही स्वच्छता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रौतेला ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव पर हर वार्ड में हर घर तिरंगा लहराया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के स्वतंत्रता के 75 वर्ष गांठ पूरा देश भव्य और दिव्यता से मनाया जा रहा है। हमारे नगर निगम क्षेत्र में भी इसका स्वरूप भव्य और दिव्य रहे और हर घर तिरंगा, जो कि एक सरकारी कार्यक्रम हर आम जन का कार्यक्रम है, उसका भी सफल आयोजन के लिए आज यहां बैठक नगर निगम में बुलाई गई थी।
और जो उत्साह यहाँ पे सम्मानित पार्षदों का देखने को मिला, सभी विभागों के अध्यक्षों का देखने को मिला, आम जनमानस का मिला, मैं समझता हूँ कि इस बार का अमृत महोत्सव वर्ष का, आज़ादी का वर्षगांठ, 75वीं वर्षगांठ बड़े दिव्य और भव्य रूप से मनाई जाएगी। कि अमृत महोत्सव कार्यक्रम को दृष्टि रखते हुए पूरे लगभग एक सप्ताह में हम काम चला रहे हैं। विशेष स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक घर में झंडा लगाने के लिए झंडे की व्यवस्था की जा रही है, उसको माननीय पार्षदगणों के माध्यम से वितरण करते हुए प्रत्येक घर में झंडा लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव में ही हम सार्वजनिक स्थानों पर 6,000 फूलों के और ग्रीनरी के जो हमारे छायादार वृक्ष होते हैं उनको लगाने का काम कर रहे हैं। मेयर साहब ने हमें जो यहाँ पर बुलाया आज मीटिंग में, उसमें हमें सर्वप्रथम तो घर हर घर झंडा फहराने के लिए हमें नगर निगम से झंडा देने का वो बताया, और दूसरा हमें हर घर में एक एक पेड़ देने के लिए भी, आम का पेड़ जो हमने इस अमृत महोत्सव में हर घर घर में एक एक आम का पेड़ भी लगाना है। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।